एक सर्टिफिकेट आपको अच्छी जॉब दिला सकता है, आपको अच्छा सैलरी पैकेज दिला सकता है, और वही सर्टिफिकेट किसी जॉब वाले बंदे को प्रमोशन भी दिला सकता है। तो आज हम फ्री सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, कैसे फ्री सर्टिफिकेट्स लिए जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना, आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज, और आज हम फ्री सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। स्किल की कोई वैल्यू नहीं होती है, और अगर वो स्किल सीखने के लिए पैसे देने पड़े और आपके पास पैसे ना हो, या आप अपने घर वालों को नहीं बताना चाहते हो स्किल के बारे में, तो स्किल को सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं जहां पे आप फ्री सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं, और कुछ पेड सर्टिफिकेट्स भी है, पर मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा, मैं आपको पेड सर्टिफिकेट्स के बारे में बताऊंगा आप पेड साइटों से कैसे सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल तरीके से ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास 50 से ज्यादा सर्टिफिकेट्स है आज के टाइम पे, और मैंने उसके लिए कुछ पे नहीं किया है। अब आप भी वो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल सबके पास होती है, आपको लिंडा खोलना है, आपको लिंक्डइन लर्निंग खोलना है, आपको उनका ट्रायल पीरियड के लिए सब्सक्राइब करना है मेंबरशिप को, और वो आपसे कार्ड की डिटेल मांगेंगे, आपको कार्ड की डिटेल भर देना, आपका वेरिफिकेशन के लिए $1 का रेट कटेगा, $1 मतलब 70 रुपए 72 रुपए के आसपास कटेगा, जो कि हफ्ते के बाद रिफंड भी हो जाएगा। तो आपको वो कोर्स ट्रायल बेसिस के लिए मिल जाएगा। सबके अपने अपने ट्रायल पीरियड होते हैं। लिंडा का अब शायद 7 दिन का हो चुका है, जब मैंने किया था तब उसका 30 दिन का होता था। लिंक्डइन लर्निंग का शायद अभी भी 30 डेज का है, डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, तो उस टाइम शायद इनका टाइम पीरियड चेंज हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने वो कोर्स तो ले लिया है, पर आपको किस तरीके से चलना है, आपको पहले ये रिसर्च करके रखनी है कि आपको क्या स्किल सीखना है। अगर आप मार्केटिंग स्टूडेंट है, आपको सेल सीखनी है, आपको सेल सीखनी है। अगर आप डिजाइनर है, आपको डिजाइनिंग के अंदर अपना करियर बनाना, तो आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इस टाइप के सॉफ्टवेयर सीखने हैं। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आपको कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आना चाहिए, या फिर कोई ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आना चाहिए, कैमरा रिकॉर्ड करने के तरीके आने चाहिए। ये सब आपको पहले से ही सोचना पड़ेगा सर्टिफिकेशन लेने से पहले। उसके बाद जो आपने सोचा है, आपको जो जो सॉफ्टवेयर सीखने हैं, उस ट्रायल पीरियड के अंदर जान लगा दो उन सारे सर्टिफिकेट्स को कंप्लीट करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा एक कोर्स 13-14 घंटे का होता है। अगर आपको एक हफ्ते का भी टाइम देते हैं, तो आप एक दिन में एक पूरा स्किल सीख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप लिंडा या फिर लिंक्डइन लर्निंग से सर्टिफिकेट लीजिए, क्योंकि वो आपके लिंक्डइन पे इंटीग्रेट हो जाते हैं। उसकी वजह से आपको रिक्रूटर से एज मिलता है, क्योंकि Naukri.com अब पुराना हो गया। आजकल रिक्रूटर्स अच्छे बंदों को लिंक्डइन के थ्रू ढूंढते हैं। तो आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे काम करना पड़ेगा अगर आपको जॉब जल्दी चाहिए। तो जॉब लेने के कुछ तरीके मैं आपसे कल शेयर करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा।